नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी के कामतगर स्थित ताड़ाली की, जहां आपको बता दें कि तानाजी हाउसिंग सोसाइटी में आज विकास के काम को हरी झंडी भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले द्वारा दिया गया। बता दें कि यहां पर पेयर ब्लॉक के काम की शुरुआत हिंदी रीति रिवाज के साथ में की गई, जहां तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मौजूद जिन्होंने इस काम को प्रयास में लिया और इस काम कराने का जिन्होंने जुम्मा लिया था, स्थानीय पूर्व नगर सेवक नीलेश चौधरी, हनुमान चौधरी, अस्मिता चौधरी और योगिता पाटिल, इनके प्रयास से विधायक महेश चौगले के पास जो है समस्याओं का समाधान निकाला गया और विधायक महेश चौगले ने अपने निधि से पेयर ब्लॉक के काम के लिए यहां पर निधि मंजूर की। और आप देख सकते हैं कि तानाजी हाउसिंग सोसाइटी के सभी रहवासियों की उपस्थिति में हिंदू रीति रिवाज के साथ में नारियल फोड़कर इस शुभ काम की शुरुआत की गई। इस बीच आपको बता दें कि वहां पर मौजूद विधायक महेश चौगले के साथ में समाज सेवक रवि पाटिल, विशाल पठारे भी दिखाई दिए। बता दें कि स्थानिकों ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरह से विकास के कामों को लेकर महेश चौगले हमेशा तत्पर रहते हैं, इसी तरह आज हाउसिंग सोसाइटी में जो काम किया जा रहा है वो भी वाकई तारीफ काबिल है। ऐसे में आपको बता दें कि नीलेश चौधरी और हनुमान चौधरी ने भी विधायक महेश चौगले का आभार प्रकट किया और क्या कहा, आइए सुनते हैं। पहला तो मैं तानाजी कॉम्प्लेक्स और पूरे मेरे प्रभाग के 23 के सभी नागरिकों की वजह से मैं हमारे महेश चौगले साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने निधि से तानाजी कॉम्प्लेक्स में पेवर ऑफ करने के लिए निधि दी है और काम भी चालू हो गए। ऐसे बहुत सारे विकास के कार्य उनके प्रभाग पूरे क्षेत्र में चल रहे हैं, कांटे से लेके ताड़ाली जकाता के तक जिधर भी जाए उधर आज काम ही काम दिखाई दे रहे। अभी सामने का जो नाला है वो 50 साल से नाले का प्रश्न था, किसानों की जमीन जा रही थी उसमें खराब हो रही थी, तो नाला भी डायरेक्ट अभी महानगर पालिका के इसमें ज्वाइन करने के उनका भी उन्होंने प्रयत्न से उसको भी जुड़वा के लिया, तो ये सबसे बड़ा एक बड़ा काम उन्होंने किया। RCC रोड है, अभी ये छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स है उसमें पेवरॉक लगाना है, कहीं ड्रेनेज के काम करना है, रोड के काम करने हैं, खिलौने बेंच है, ये ऐसे सारे काम उनके माध्यम से हो रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये पश्चिम क्षेत्र के अंदर इतना उनको आशीर्वाद मिल रहा है सभी लोगों का, तो वो निश्चित उनको ये जनता का आशीर्वाद मिलेगा और वो दोबारा तीसरी बार चुन के आएंगे। आज तानाजी कॉम्प्लेक्स पेवर ब्लॉक का एक काम नीलेश चौधरी, हनुमान चौधरी, महेश पाटिल इनके माध्यम से आज इधर हुआ है, तो उन्होंने मेरे को कहा था जब जो मेरे को कहा था मेरे को जैसा जैसा होता है मैं वैसा करके दे, क्योंकि इधर पहले सीमेंट के रोड थे और जैसा नीलेश चौधरी ने कहा हर जगह हर सोसाइटी में खिलौना है, गार्डन है, जिम है, ये सब बनाया गया है, तो ये काम ऐसे चालू ही रहते हैं, तो उसके लिए है कि अभी इलेक्शन है तो ज़्यादा सब लोग बुला रहे जा रहा हूँ और एक अच्छा काम भिवंडी शहर में अपने माध्यम से आपने तो देखा होगा 3 ब्रिज बने, 2 ब्रिज पास हुए हैं, कोर्ट की बिल्डिंग बनी, अभी तहसीलदार का ये बना, तहसीलदार की एक तहसीलदार प्रांत रजिस्ट्री ऑफिस है, एक ही अपन बिल्डिंग बना रहे हैं वो भी 40 करोड़ रुपया ये करके। अभी कुछ दिन पहले बस स्टैंड का ही आया, क्या बस स्टैंड में अपन पहले 30 साल के लिए था BOT, अभी वो बढ़ा के अपने गवर्नमेंट ने उसको 60 साल किया, तो एक अच्छा बस स्टैंड भी अभी बनेगा, तो एक अच्छा काम मेरे माध्यम से जैसा मुझे चुना के दिया उसके माध्यम से ये 10 साल में हुआ है और उतना काम कभी 50 साल में नहीं हुआ था, जैसा जो लोग आमदार थे इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था, तो ये काम मेरे माध्यम से जो लोगों का आशीर्वाद है उसके माध्यम से मेरे काम बहुत अच्छा काम ये 10 साल में हुआ ऐसा मुझे लगता है, तो ये छोटी छोटी कामें भी है तो ये भी मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत सारी हुई लेकिन अपन जाते थे कभी नहीं जाते थे, क्योंकि काम हो तो है करना ही है तो तभी नहीं अपन ये करते थे, लेकिन अभी इलेक्शन है तो लोगों को मिलना भी होता है और फिर लोगों से जो काम है वो देखना भी होता है, तो ऐसी काम बहुत सारी है, तो मैंने मेरे माध्यम से पूरे भिवंडी शहर में जहाँ कोई ऐसा ना हिंदू मुस्लिम हर एरिया में ये काम हुआ है, मस्जिद हो मंदिर हो क्या जो जो जगह है वह एक काम अच्छा हुआ है, आने वाले कल में जो बच्चे होंगे वो थोड़े बहुत काम वो भी हो जाएंगे और ऐसा मुझे लगता। अस्सलाम वालेकुम, निदा हॉस्पिटल में संडे के दिन 29 सितंबर को एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है जो सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और 2:30 बजे खत्म होगा, उसके अंदर जो एंजियोग्राफी, किडनी सर्जरी, कैंसर सर्जरी फ्री में किया जाएगा और जितने ब्लड टेस्ट है वो फ्री किए जाएंगे, जिसमें ब्लड चेकअप, थायरॉइड, HIV, CBC, HEOT, PT, बिली जो भी टेस्ट है सब फ्री में किया जाएगा, ECG भी फ्री है उसके। आप लोगों से गुजारिश है कि संडे के दिन सुबह 10 बजे निदा हॉस्पिटल में आकर
जिसका लाभ ले। अस्सलाम वालेकुम।